तो गाइस देखो यार, वीडियो तो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एक ऐसा बीआर रैंक का ट्रिक बताया जिसको यूज करके तुम गेम में डबल प्लस ले सकते हो। अच्छा तो लेकिन यार, फ्री फायर गेम में तुम्हें कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड जरूर से मिला होगा जिसको तुम अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते होंगे, वो भी तुमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता होगा। मतलब भाई, उसने तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया होगा। एंड ऐसा ही एक फ्रेंड मेरे को फ्री फायर में मिला है जिसने मेरे बुरे टाइम में ना मेरे को मेरे भाई से भी ज्यादा सपोर्ट किया है, बट अभी वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग उसकी हेल्प कर सकते हो। उसका भी एक यूट्यूब चैनल है एंड वो मेरे से पहले से यूट्यूब पे है, एंड उसने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जब मेरा चैनल डाउन था। एंड यार, अभी मेरा चैनल अच्छा चल रहा है आप लोग के सपोर्ट की वजह से। एंड अगर आप लोग मेरे को सच में सपोर्ट करते हो ना, तो भले ही आज मेरा वीडियो को स्किप कर दो, बिल्कुल लाइक मत करो, मत करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन प्लीज भाई लोग, आप लोग मिस्टर अनिकित गेमिंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल रहा है, वहां से जाकर के उसके चैनल को एक बार विजिट करना। भले आप लोग सब्सक्राइब मत करना, लेकिन उसकी वीडियो को एक से दो बार वॉच कर लेना ताकि चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल जाए। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। फाइनली हम लोग के गेम में बीआर रैंक का न्यू सीजन 34 स्टार्ट हो गया। एंड अगर आप भी इस नए वाले सीजन में ग्रैंड मास्टर रैंक पुश कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मतलब सिंपल वे में कहूँ ना, अगर आप लोग इन ट्रिक्स को यूज करते हो और आपको एक गेम में 50 का प्लस मिल रहा है, तो इन ट्रिक्स को यूज करके आपको एक गेम में 100 का प्लस मिलेगा। जी हाँ मेरे भाई, एकदम डबल प्लस मिलेगा एक गेम में अगर आप लोग इन ट्रिक्स को यूज करते हो। कोई भी ग्लिच नहीं है, आप लोग का आईडी भी सस्पेंड नहीं होगा। मैं पर्सनली इन ट्रिक्स को यूज करता हूँ, तुम लोग देख सकते हो मेरे को 52-48 का प्लस मिल रहा है। अगर इस बीआर रैंक के नए वाले सीजन में रैंक पुश कर रहे हो ना, तो भाई ये वीडियो को जरूर से देखना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आप लोग का बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग अपने इन प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको स्कोर डिटेल्स में मल्टी मैप बाउंस दिख रहा होगा +10%। इसका मतलब क्या, मैं 90% श्योर हूँ कि जितने बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि ये स्कोर डिटेल्स में ये प्लस मेरे को मिल कैसे रहा है। एंड अगर किसी 1% प्लेयर को ये पता भी होगा, आपने किसी क्रिएटर की वीडियो में देखा भी होगा, तो वो आपको बोलता है कि भाई इन मैप्स को डाउनलोड करने से आपको ये मल्टी मैप बाउंस मिलता है, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि आपका डिवाइस इश्यू है तब आप लोग इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। देखो मेरे भाई, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, मल्टी मैप बाउंस लेने के लिए आपको सिर्फ कलारी मैप डाउनलोड करना है। कलारी मैप डाउनलोड करने से आपको मल्टी मैप बाउंस मिल जाएगा। अगर आप लोग का डिवाइस इशू भी है तो सिर्फ 70 MB का ये मैप है, इसको डाउनलोड कर लो, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा प्लस मिलेगा। मतलब देखो यार, अगर आप लोग हीरोइक रैंक पे हो, आपको 70 का प्लस मिलता है, तो आपको उसका 10% एक्स्ट्रा प्लस मिलेगा मैप बाउंस की तरफ से, यानी कि एक्स्ट्रा 7 का प्लस मिलेगा। मुझे पता है बहुत से प्लेयर को ये अभी बहुत ज्यादा फनी लग रहा है, लेकिन मेरे भाई वीडियो को बिना स्किप करे देखो। इतने सारे मिशन ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं ना, जिनको यूज करके आप लोग अपने गेम के मुकाबले एकदम डबल प्लस ले सकते हो। मल्टी मैप बाउंस के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिवाइव, हील टीममेट्स एंड हेल्प अप वाला, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्लस देखने को मिल रहा होगा स्कोर डिटेल्स में। मुझे पता है यार, बहुत से प्लेयर को ये स्कोर पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इस मिशन को कंप्लीट करते हो तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा 12 प्लस मिलेगा, 12 एक्स्ट्रा प्लस मिलेगा हर गेम में। उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले वेंडिंग मशीन पे जाना है और ट्रीटमेंट पिस्टल नहीं खरीदना है, हील स्नाइपर खरीदना है, ये जो बड़े वाला स्नाइपर है इसको परचेज करना है। देन अपने फ्रेंड को बोलना है कि भाई ग्रेनेड से डाउन हो जाए, लॉन्चर, फ्लैशबैंग, किसी से भी डाउन हो जाए, 2 times अपने टीममेट को बोल देना है डाउन हो जाए, उसको रिवाइव करना है, देन 2 times उसकी हेल्थ को एकदम फुल करना है हील स्नाइपर से। आप लोग ट्रीटमेंट पिस्टल से भी कर सकते हो, लेकिन पिस्टल को चार्ज होने में टाइम लगता है, बट स्नाइपर फुल चार्ज रहता है। एंड भाई, जब आप टीममेट से ले रहे हो ना मिशन को, तो यार कोशिश करना कि आप अपने टीममेट को भी मिशन करा दो। मतलब यहाँ पर देखो, पहले मैंने अपने टीममेट से मिशन लिया, देन मैं उसका भी मिशन यहाँ पर कंप्लीट करा देता हूँ। और एक जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन था कि भाई विच मूड इज बेस्ट फॉर रैंक पुशिंग, तो मेरे भाई डुओ सबसे अच्छा मूड है रैंक पुश करने के लिए, क्यों अभी पता चल जाएगा। रुको जरा, अभी बहुत कुछ है अपडेट के बाद। जब से गेम में OB40 का अपडेट आया और बीआर रैंक का न्यू सीजन आया है, तब से गेम में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हो गया। एंड मैं 90% श्योर हूं कि आप लोग को नहीं पता होगा, ये जो बॉक्स होता है ना, इसको जरूर से ओपन कर लेना। और अगर आप लोग के पास थोड़ा सा FF कॉइंस है तो भाई इसको रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि अपडेट के बाद इसकी लूट को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। अगर तुम लोग के पास लूट नहीं है तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुमको लूट प्रोवाइड कराने में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको हॉरिजॉन देने में। यहाँ पर प्रूफ देख लो, मैंने उसको रिफ्रेश करके अपने टीममेट को हॉरिजॉन दिलाया था और खुद भी हॉरिजॉन ले लिया था। और यहाँ पर देखो, 2 enemy ने हमारे ऊपर रश किया एंड भाई हम दोनों के पास हॉरिजॉन था, तो हम दोनों ही सेल्फ रिवाइव हो गए, कितना इजीली हम दोनों ने उनको किल करके यहाँ पर अपना रैंक माइनस होने से बचा लिया। तो भाई ये एक बोनस टिप थी, इसको जरूर से ट्राई करना, क्योंकि अपडेट के बाद उससे आप लोग को टोकन भी मिलेंगे उस बॉक्स को रिफ्रेश करने से, और आप 2000 टोकन से ना भाई 2 साल का लूट कंप्लीट।
ट्वीट कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैंने बहुत टाइम्स देखा है कि यार आप लोग सुपर एयर ड्रॉप चार्ज नहीं करते हो, इतना प्रमोट करता हूँ इसको पर आप लोग फिर भी चार्ज नहीं करते हो, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्लेयर को लूट प्रोवाइड कराने में। यहाँ पर देखो मेरे पास सिर्फ विजन और एके थी एंड इसको चार्ज करते ही मेरा एकदम लूट कम्प्लीट हो गया। मेरे को वेस्ट मिल गया, हेलमेट मिल गया, लॉन्ग रेंज का मेरा फेवरेट वेपन मिल गया, मेरे को चिप्स मिल गए, यूएवी मिनी लॉन्च पैड, मतलब एकदम फुल कंप्लीट लूट आपको इस ड्रॉप से मिल जाएगा। बहुत सारे प्लेयर को लगता है कि भाई इसको चार्ज करने से हमारे पास एनिमी आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपका लेवल 1 का चार्ज होता है 2 सेकंड में आप यूएवी लाइट को ड्रॉप कर दो, आपको मिनी लॉन्च पैड मिल जाता है, उसको सेट कर दो। अगर आपको पीछे से कोई एनिमी फायर कर रहा है तो अपना बैक वॉल लगा के लॉन्च पैड लेके वहां से निकल जाओ। बहुत ज्यादा इजी है यार, एक बार ट्राई कर लेना, बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग अपने हिसाब से भी प्लस कर सकते हो। आई नो यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गाइज। एंड जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है ना, उसमें मैंने बहुत से प्लेयर का गेम प्ले को ऑब्जर्व किया, जब वो लास्ट जोन में बचते हैं तो भाई काफी टाइम एलिमिनेट कर देते हैं, गेम को अच्छे से नहीं खेल पाते, हॉपलेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को पैनिक नहीं होना है, एंड भाई जब आप लोग लास्ट सर्कल में अगर अकेला बचे हो ना, तो भाई सिचुएशन के हिसाब से अपने गेम प्ले स्टाइल को चेंज कर दो। मतलब यहाँ पर देखो यार, मैं पहले लॉन्ग रेंज में AWM को यूज कर रहा था, एकदम छोटा जोन आ गया था, मेरा टीममेट मर जाता है, तो वहां पर मैंने अपना दोनों ही क्लोज रेंज वेपन को ले लिया था। और अगर मैं अपना क्लोज रेंज वेपन को चेंज नहीं करता, मतलब AWM अपने पास रखता, तो शायद मेरा बोया मिस हो सकता था, क्योंकि आप लोग को पता है M10 को रिलोड होने में टाइम लगता है। बट अगर आप लोग के पास 2 शॉर्ट रेंज होगा तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। 1 शॉर्ट रेंज से आप एक एनमी को डाउन करो और दूसरे शॉर्ट रेंज से दूसरे एनमी को। देखो यार, बहुत से प्लेयर को मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब बहुत ज्यादा ही प्लेयर को ऑब्जर्व किया यार, वो ना गेम में गेम का मजा नहीं ले पाते, मतलब गेम को ना गेम की तरह खेलो तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपको जिस चीज का एडवांटेज मिल रहा है उसका एडवांटेज लेना सीखो, गेम में अपडेट की तरह खुद को भी अपडेट करो। मतलब बहुत से प्लेयर है जिनका अपना अच्छा एक्यूरेसी, अपना अच्छा रेट ऑफ फायर है, तो वो ना एकदम रश करके खेलते हैं, मतलब भाई बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो तो मेरी जान ऐसा बिल्कुल मत करो यार। देखो, हाइट का एडवांटेज लो, जितना भी गेम में चीजें उन सबका मजा लो। यहाँ पर हाइट का एडवांटेज लेने से आपको अच्छा खासा किल डैमेज मिल जाता है। एंड यार देखो, अगर किसी एनिमी को डाउन किया ना तो उसको फिनिश आउट कर दो। आपने मेरी जितनी भी क्लिप देखी ना उसमें देखा होगा मैं नॉक एनिमी को एकदम फिनिश आउट कर देता हूँ। और अगर तुम लोग के पास नाइफ है ना तो नॉक वाले एनिमी को हेडशॉट मारो, 800 का डैमेज तुमको एक बारी में मिल जाएगा। और अदरवाइज अगर नाइफ नहीं है तो फिर भी डाउन को क्लियर कर दो, आपको बहुत ज्यादा डैमेज मिलेगा और काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी एक्स्ट्रा प्लस मिलने में। मेरे भाई, अगर आप लोग इन छोटी छोटी चीजों को मिस करोगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे रैंक पुश करने में। मतलब जहां आपको 40 का प्लस मिलना है ना किसी गेम में, वहां पर आपको सिर्फ 15 या 20 का प्लस मिलेगा। सिर्फ 2 से 3 दिन में मैं आप लोग के साथ रैंक पुश करने वाला हूं अपने सब्सक्राइबर लोग के साथ। एंड एक सजेशन चाहिए था कि कल मैं कौन सा वीडियो अपलोड करूं, गोल्ड टू ग्रैंड मास्टर के हाईलाइट अपलोड करूं या एक गेम प्ले कर दूं, मतलब एक पर्टिकुलर एक गेम होता है वो अपलोड करूं या छोटी छोटी क्लिप्स को अपलोड करूं, जरूर से कमेंट करके बताना। एंड यार, अगर वीडियो को एकदम एंड तक आ गए और अभी तक देख रहे हो तो भले इस वीडियो को लाइक मत करना, आप लोग का मर्जी है, लेकिन एक बार जरूर से जाके मेरे फ्रेंड का चैनल चेकआउट कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एक बार भाई को जाके सपोर्ट कर देना।